हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम और बिल्कुल फ्रेंड्स इस समय बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है हमारे टेरेस गार्डन पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स के साथ और आज मैं आपसे विंटर के ही एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वाइन के बारे में बात करने वाली हूँ जो बिल्कुल पैरानेल प्लांट है और साल भर आपके साथ रहता है पूरे साल आपके साथ रहता है पूरे ईयर आपके साथ रहता है और उसमें दो बार फ्लावरिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत वाइन के बारे में आज, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ साथ में आपको ये देखिए हमारे गैलेडवस के बल्ब में भी बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर ओपन हुए हैं वाइट कलर बहुत ही प्यारा ये कलर मुझे लग रहा है देखिए इससे पहले भी मैंने गलेडोस के बल्ब लगाए थे तो उसमें मुझे येलो रेड ये सारे कलर मिले थे पर ये वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखिए और बहुत सारे बर्ड्स आए हैं इसमें तो विंटर में फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लावर हैं बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बहुत ही खूबसूरती बढ़ाते हैं आपके गार्डन के पर इनमें से बहुत कम ही ऐसे प्लांट होते हैं जो हमेशा आपके पास रहते हैं और बिल्कुल बार बार आपको उसकी कटिंग लगाने की उसको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं होती तो ऐसे ही एक प्लांट है हमारा गार्लिक वाइन और उसी के बारे में आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करने वाली हूं तो हमारा गार्लिक वाइन लगा हुआ है क्यारी में और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है चलिए उसी के पास चलते हैं और आपसे उसके बारे में सारी बातें शेयर करती हूँ और देख रहे हैं कितना खूबसूरत फ्लावर इसमें ओपन हो रहा है बिल्कुल बन्चेज ऑफ फ्लावर आ रहे हैं इस समय इसमें और फ्लावर का जो कलर होता है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है एकदम पर्पस पर्पल कलर में लेवेंडर कलर में होता है और बिल्कुल जब ये खिलता है ना तो एकदम डार्क पर्पल में होता है और फिर धीरे धीरे इसके जो कलर है वो हल्का होता हुआ चला जाता है और एकदम धीरे धीरे वाइट में आ जाता है और उसके बाद ये प्लांट फ्लार स्पेंड हो जाता है तो ये फ्लार भी बहुत दिन तक स्टे रहता है लगभग एक हफ्ते तक आपके पास रहता है ये फ्लार तो देखिए ये इसके बर्ड्स हैं बहुत ही खूबसूरती से ये फ्लावरिंग करता है पूरे अक्टूबर से आपका ये फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और दिसंबर जनवरी तक इस, इसमें फ्लावरिंग होती रहती है डिपेंड करता है आपके यहाँ जो टेम्परेचर है वो कितना है उस हिसाब से और साल में दो बार फ्लावरिंग करता है एक तो अक्टूबर नवंबर के टाइम में ये फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और दूसरा मानसून के बाद भी ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है तो देखिए मैंने दो चीज़ें आप लोगों से बिल्कुल शेयर ही कर लें कि एक तो ये सबसे पहला कि ये हमारा पैरानिल प्लांट है और हमेशा आपके पास रहेगा हमेशा आपके गार्डन में ये खूबसूरती बढ़ाता रहेगा और साल में दो बार फ्लावरिंग करेगा इसकी फ्लावरिंग का टाइम भी मैंने आपसे शेयर कर लिया और देखिए विंटर में जहाँ इतने सारे फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं उनमें ये फ्लावर अपनी अलग ही खूबसूरती बढ़ाता है आपके गार्डन की और इसकी ब्यूटी तो देखते ही बनती है बहुत ही खूबसूरत लगता है और बिल्कुल आप इसे डोर पे भी लगा सकते हैं या फिर आप कोई वॉल को कवर करना चाहें तो वहाँ पे भी क्रिएट इसको लगा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वाइन है बिल्कुल जंगल की तरीके से बढ़ता है एक बार आपने इसे लगा दिया तो इसकी जो टेक केयर है वो भी बहुत ही कम होती है बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है बार बार आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना बार बार इसकी केयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है एकदम जंगली जैसा प्लांट है बस आपको समय समय पर करनी है इसकी प्रोनिंग इसकी डेड हेडिंग जिसे कहा जाए वो करनी है तो जहां से भी इसके फ्लावर स्पेंड हो जाए जैसे कि ये फ्लावर का जो लॉट आ रहा है ये खत्म हो जाए तो आपको यहीं से इसकी डेड हेडिंग कर देनी है तो डेड हेडिंग बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स जितनी ज़्यादा आप इसकी डेड हेडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी और उतना ही ज़्यादा ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और उतना ही ज़्यादा ये बुशी भी होगा तो देखिए जैसे ये बंच है ना एक फ्लार का ये बंच है तो ये फ्लार स्पेंड हो जाए उसके बाद आप यहाँ से इसको कटआउट कर दीजिए यहाँ से इसको कटआउट कर दीजिए मुझे और वहीं से इसकी अलग अलग नई ब्रांचेज निकलेंगी और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही होगी तो बिल्कुल फ्लावर्स आपको अगर बहुत ज़्यादा चाहिए ना तो ये चीज़ बहुत ही जरूरी है इसकी डेड हैंडिंग करना और ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है देखिए अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरे दिसंबर तक ये मेरा फ्लावरिंग कर रहा है और दिसंबर भी खत्म होने वाला है फिर भी इसमें अभी भी बहुत सारे बर्ड्स हैं ये पूरा जनवरी तक हमारा फ्लावरिंग करता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखिए नीचे के साइड में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बंच इसका तो बीच बीच में पूरे बंच में ये फ्लावरिंग करता रहता है और इसके बर्ड्स भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र पे तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है आप बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट या काऊडंक मैन्योर जो भी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं वो आप इसको आ, देते रहिए और जब इसमें फ्लावरिंग का टाइम हो आप जब इसे लगाएंगे तो आपको बिल्कुल पता रहेगा कि आपके यहाँ ये किस टाइम फ्लावरिंग करता है तो फ्लावरिंग के टाइम में इसे अच्छा सा फर्टिलाइज़र दे दीजिए जिसमें बोन मील और पोटाश वगैरह की मात्रा अच्छे से हो वो आप इसमें दे दीजिए और इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगा आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो बहुत ही इसमें बढ़िया काम करता है और बहुत ही खूबसूरती से इसमें फ्लावरिंग होती है और बिल्कुल साल भर आपके पास रहने वाला है कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजली ग्रो हो जाता है अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो आप रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगाइए और बहुत ही इजली ये चल जाएगा मैंने भी एक प्लांट से दो प्लांट बनाए हैं अपने कटिंग के थ्रू और बहुत ही इजली ये ग्रो भी हो गए और दूसरी साइड में मैंने वो भी प्लांट लगाया हुआ है पर वो मैंने पॉट में लगाया है ये वाला प्लांट तो मैंने अपनी क्यारी में लगाया है तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो है काफ़ी बड़ा भी हो गया है और जो दूसरा प्लांट है वो मैंने गमले में लगाया है उसमें भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है और लगभग एक दो महीने से उसमें भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है तो आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं पॉट में भी बहुत ही ईजिली चल जाता है बस आपको जो पॉट का साइज़ है वो थोड़ा बिग साइज़ का लेना होगा आप थोड़ा बड़ा प्लांटर इसे प्रोवाइड करिए क्योंकि जो इसके रूट्स है ना वो काफ़ी डीप तक जाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा पॉट आप इसे प्रोवाइड करिए बात कर लेते हैं इसके सॉयल मीडिया पे तो सॉयल मीडिया बिल्कुल आपको जैसे एज यूजल आप सारे ही प्लांट के बनाते हैं बिल्कुल पोरस बनाना है बंधी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए पोरस होना चाहिए जैसे कि आप उसमें वाटरिंग करें तो पूरा वो ड्रेन आउट हो जाए और खड़ा ना रहे पानी उसमें नहीं तो आपका ये प्लांट खराब होने का चांसेस है वाटरिंग पे अगर हम बात कर लें तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको पानी इसमें देने की जरूरत नहीं है बस सॉयल आपका वेट रहना चाहिए बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होना चाहिए समय समय पे आप इसमें फ्लावरिंग करें वाटरिंग करें सॉरी और बिल्कुल वाटरिंग विंटर्स में आप दो से तीन दिन में आराम से कर सकते हैं मैं भी इसमें दो तीन दिन के अंतराल पे ही पानी देती हूँ डेली पानी नहीं देती हूँ और जब भी वाटरिंग करें तो आप इसको सॉइल पे ही इसमें पानी दें ऊपर की साइड में इसमें फ्लावर्स पे लीव्स पे ये सब पानी आप ना दें बात कर लें कि गार्लिक वाइन क्यों कहते हैं इसको तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो लीव्स होती है ना आप इसको जरा सा आप इसको तोड़ के जब क्रश करेंगे बहुत ही बढ़िया गार्लिक की स्मेल आएगी आपको इसमें से बहुत ही बढ़िया एकदम फ्रेश गार्लिक तो अगर आप लहसुन का यूज़ करते हैं ना खाने में और उसके सब्टीट्यूट चाहते हैं तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है इसकी लीव्स वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में और बहुत ही बढ़िया ये वर्क करता है आपके कोल्ड डिसीजेज़ में भी वर्क करता है कोल्ड कफ़ या फिर डायबिटीज़ में भी इसके लीव्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अगर इंसेक्ट अटैक की बात करें तो बिल्कुल देखिए गार्लिक अपने आप में ही इतना एंटीबैक्टेरियल होता है और उसकी स्मेल से सारे कीड़े वगैरह सब भाग जाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसमें फंगस या तो बिल्कुल डिसीज़ में भी बहुत ही बेनिफिशियल है और गार्लिक की स्मेल से अपने इंसेक्ट वगैरह खुद भाग जाते हैं तो इसमें ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह अटैक भी नहीं करते पर फिर भी आप समय समय पे अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो आप फंगीसाइड का इसमें स्प्रे करते रहिए और एन पी के का भी आप अगर इसमें स्प्रे करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है और uh, मैं समय समय पे इसमें फंगिसाइट और एन पी के का ही स्प्रे करती रहती हूँ जिससे मुझे बहुत ही uh, बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है एक्स्ट्रा आपको बहुत ज़्यादा केयर फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है हाँ बस इसको जो रिक्वायरमेंट है वो सन का है सनी लोकेशन पे आप इसे लगाइए चाहे आप ज़मीन में लगाइए चाहे पॉट में आप इसको जहाँ भी रखिए वहाँ पे बिल्कुल सन का इसे नीड जो है वो पूरा होना चाहिए बिल्कुल छः से आठ घंटे की इसको धूप चाहिए बढ़िया फ्लावरिंग के लिए तो अगर आप इसे थोड़ा सा जमीन वगैरह में भी लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको सनी लोकेशन देना है जितना अच्छा सन इसको मिलेगा उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा और उतना ही खूबसूरत ये आपके गार्डन को भी बनाएगा तो बिल्कुल फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस प्लांट को नहीं लगाया है और अगर आपके आस पड़ोस में भी ये प्लांट है ना तो बहुत ही इजिल ये प्रोपोगेट होने वाला है मैंने आपको बताया कटिंग के थ्रू बहुत ही इजिली प्रोपोगेट हो जाता है आप फटाफट से इसकी कटिंग लाइए और लगा लिए रेनी सीजन में बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और समय समय पर आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए तो ये आपको बिल्कुल बढ़िया फ्लावरिंग देगा आप इसकी प्रूनिंग समर में कर दीजिए तो विंटर में आते आते ये बहुत ही बढ़िया आपको फ्लावरिंग देने लगेगा बहुत ही खूबसूरती से तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा मेरे गार्लिक वाइन को और बिल्कुल आप लोग भी इसे लगाकर अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स बाय